हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द लुसेंट क्लासेस। मैं हूं नितिन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने लुसेंट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो जीके प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड है और हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट की, जो प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर जो हैं हमारे मुख्यमंत्री इंडियन स्टेट में कौन कौन थी, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले मैं दोस्तों बता दूं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की हमारी जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर है उनका जी नाम था सुचिता कृपालिनी, और ये मैं बता दूँ कि ये जो है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इंडियन भी हैं, रह चुकी हैं ये भारत, हमारे देश की जो प्रथम वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं ये सुचिता कृपालिनी जी हैं। और इनका सबसे पहले यही आई थी फ्रीडम स्ट्रगल, क्वाइट इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई में लड़ने ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। और जी इनका एक मेजर रोल है सांप्रदायिक तनाव दूर करने में ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ 1946 एंड 47, और एक ये एक हिस्सा है सब कमिटी मेंबर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग असम। असम में जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जी उनका नाम है सईदा अनवर तैमूर जी। इनका जन्म 24 नवंबर 1936 को हुआ था, और मैं बता दूं कि ये रह चुकी हैं तकरीबन 6 दिसंबर 1980 टू 30 जून 1981 में तक ये चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। और ये जो है बिलोंग करती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, और ये मेंबर भी हैं ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी की। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर की, वुमेन चीफ मिनिस्टर की फर्स्ट। तो हमारे बिहार में प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राबड़ी देवी जी, जिनका पूरा नाम है राबड़ी देवी यादव, और ये तकरीबन रह चुकी हैं 3 साल तक, रही 3 बार रह चुकी हैं ये ड्यूरिंग 1997 टू 2005 तक ये रह चुकी हैं। और मैं बता दूँ ये आरजेडी की पार्टी से बिलोंग करती है, इनकी पार्टी है, और ये इंडियन पॉलिटिशियन लालू प्रसाद यादव की वाइफ हैं, जो कि हमारे फॉर्मल चीफ मिनिस्टर थे बिहार के और फॉर्मल रेलवे मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हम अब बात करते हैं दिल्ली की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की। तो ये देखिए सुषमा स्वराज जी, आप हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सुषमा स्वराज जी, ये जो थी हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, ये तकरीबन 52 डेज के लिए ही बनी थी इन 1998 में, और ये बीजेपी पार्टी की प्रथम महिला थी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी बीजेपी की पार्टी की तरफ से। और मैं बता दूं कि ये एक्सटर्नल मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल मिनिस्टर भी सुषमा स्वराज जी। इनका हाल में ही इनकी मृत्यु हो चुकी है 2009 में, और ये इनका जन्म 1952 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, गुजरात की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की बात करें तो जी उनका नाम था आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। इनका जन्म 21 नवंबर 1941 को हुआ था दोस्तों, और ये जो थी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थी स्टेट की, और ये बिलोंग करती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन, और ये 1987 में ये चीफ मिनिस्टर थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गोवा की और डैमन ड्यू की, जो हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जी उनका नाम था शशिकला काकोडकर। इनका जन्म 7 जनवरी 1935 को हुआ था, और इनका स्वर्गवास 28 अक्टूबर 2016 में हुआ था जी। इनकी एक पार्टी है जिनकी ये लीडर हैं जी, पार्टी का जी नाम है महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी, MGP पार्टी है जिनकी ये लीडर रह चुकी हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की। तो उमा भारती जो हैं ये हमारे मध्य प्रदेश MP की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, जो कि इनका जन्म 3 मई को 1959 में हुआ था दोस्तों, और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारी बीजेपी पार्टी की। और ये इलेक्शन तकरीबन ये पहली बार जब ये पार्लियामेंट में आई थी, मैं बता दूं कि उस वक्त वो हार गई थी, बहुत यंग एज में ये आई थी 1984 में, लेकिन उसके बाद जब 1989 में इन्हें सक्सेस मिला और ये उसके लिए इलेक्ट हुई चीफ मिनिस्टर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, उड़ीसा की बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा में फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जी उनका नाम है श्रीमती नंदिनी सत्यपाथी, जो कि इनका जन्म 9 जून 1931 को हुआ था, और स्वर्गवास 4 अगस्त 2006 में हुआ था, और इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है उड़ीसा का। और ये मैं बता दूं कि इनके जन्म पे 9 जून को ही हम लोग नेशनल डॉटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी पर ही। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों,
पंजाब की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की बात करें दोस्तों, तो ये जो थी रजिंदर कौर भट्टाल, जो देख सकते हैं हमारी ये तस्वीर में, ये हैं। और तकरीबन ये 8वीं बार चीफ मिनिस्टर, मतलब 8th फीमेल चीफ मिनिस्टर थी। उससे पहले प्रकाश सिंह बादल जो थे वो 1997 में तीसरी बार चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की, तो वसुंधरा राजे जो हैं वो हमारा चीफ मिनिस्टर थी राजस्थान की। ये तकरीबन मैं बता दूं दोस्तों, ये 13 दिसंबर 2013 से 12 दिसंबर 2018 तक ये रह चुकी हैं, और ये बिलोंग करती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इनका जन्म 8 मार्च 1953 को हुआ था दोस्तों, और 1989 में ये इलेक्ट हुई थी 9th लोकसभा के लिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तमिलनाडु फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की, तो इनका जी नाम है जयराम जयललिता, और इनका जन्म 24 फरवरी 1948 को हुआ था, और स्वर्गवास 5 दिसंबर 2016 को हुआ था दोस्तों। और ये जो है इंडियन, इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो प्रोफेशनली ये इंडियन पॉलिटिशियन भी थी और फीमेल एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। ये तकरीबन 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं तमिलनाडु की ड्यूरिंग 1991 टू 2016, और ये बिलोंग करती हैं, इनका पार्टी है, सेक्रेटरी रह चुकी है दोस्तों ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कझागम, AIADMK दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, वेस्ट बंगाल की जो कि बहुत ही फेमस लेडी है ये ममता बनर्जी, जिनका जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ था, और ये 8वीं बार रह चुकी हैं चीफ मिनिस्टर बंगाल की, और अभी भी ये चीफ मिनिस्टर ही हैं बंगाल की, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ये पार्टी है इनका, जिनका ये फाउंडर है, और पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, आफ्टर पार्टीजन जब हुआ, सेपरेशन जब हुआ 1989 में, तब ये अपना अलग से पार्टी बनाई थी, और इन्हें सबको, इन्हें वेस्ट बंगाल में इन्हें दीदी के नाम से जाना जाता है, इन्हें बुलाते हैं लोग, जिसका मतलब होता है इल्डर सिस्टर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों अगर बात करते हैं, बहुत फेमस लेडी है जिनका नाम है महबूबा मुफ्ती। ये पहली चीफ मिनिस्टर है और ये आखिरी चीफ मिनिस्टर है हमारे, और ये फिलहाल अभी प्रेसिडेंट है पीडीपी पार्टी की। ये बता दूं इनका जन्म 22 मई 1959 को हुआ था, और प्रोफेशनली ये पॉलिटिशियन है। अभी फिलहाल हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी चीफ मिनिस्टर अभी नहीं है जम्मू कश्मीर का, अभी कोई नहीं है फिलहाल, वो अभी रूल कर रहा है, उसको चलाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो इंडिया के फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, आज हम लोग उस पर चर्चा किए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह ही आप हमसे जुड़े रहिए, और मैं आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लाता रहूँगा, जो आपको हेल्प करेगा एसएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, और जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करने में। दोस्तों अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।